भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसने भारत में बहुत कुछ खोया है, सिर्फ खोया ही और पाया है सिर्फ न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती है। इसके पहले मात्र 2 मैच जीती थी वह, लेकिन इस बार वह टेस्ट सीरीज जीत गई, 2-1 से आगे हो गई। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज है, पहला बेंगलुरु में हराई, दूसरा आज पुणे में हरा दिया। पुणे में आज 113 रनों से हारी भारत टीम की, बहुत ही बड़ी हार है, और बेंगलुरु में 8 विकेट से हार हुई थी। भारतीय टीम 18 सीरीज लगातार टेस्ट में जीतने के बाद यह 19वीं सीरीज हारी है अपने घर पर। घर पर 18 सीरीज लगातार भारत टीम जीती थी और यह 19वीं सीरीज थी जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही है, इसको हार गई है। 12 साल तक भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक भी सीरीज नहीं हारी थी। 12 साल में 18 सीरीज खेली थी, 18 की 18 जो कि भारत ने जीती थी और ये 19वीं हार गई है। यहाँ देखिए भारत टीम जो स्थिति है बहुत ही बुरी है, आप देख सकते हैं। पहले टेस्ट में भारत टीम पहले बल्लेबाजी करते 46 रन पे ऑल आउट हो गई, उसके बाद न्यूजीलैंड ने उसी पिच पे 402 बना दिए, फिर भारतीय टीम 462 बनाई और जो कि न्यूजीलैंड मात्र 2 विकेट खोकर के 110 रन के जो लीड बची थी उसको पूरा कर लिया। उसके बाद पुणे में वही हाल हुआ, न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 259 पर ऑल आउट हुई, 259 रन पे। वाशिंगटन सुंदर की किफायती गेंदबाजी की वजह से वो हो सका था। उसके बाद टीम इंडिया 156 पर ही ऑल आउट हो गई, फिर न्यूजीलैंड आई 255 बनाई और भारतीय टीम 245 पे ऑल आउट हो गई। तो यहां पर भी भारतीय टीम क्या कर रही है, विकेट तो गिर रहे हैं लेकिन गुच्छे में विकेट गिर रहे हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ भारतीय टीम को, गुच्छे में विकेट गिरे, अचानक 3-3, 4-4, 2-2 विकेट गिर जा रहे हैं, यहीं से भारतीय टीम को प्रेशर आ गया है। तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी गेंदबाजी या फील्डिंग किस चीज पर आप सवाल उठाना चाहेंगे, भारतीय टीम क्यों यह सीरीज हारी है न्यूजीलैंड से और इतनी बुरी तरह से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल तो काफी दुख की बात है भारतीय टीम के लिए कि भारतीय टीम ने यह 2-1 से सीरीज हार चुकी है। अब तीसरा मुकाबला जो है 1 नवंबर से खेला जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में।